वहीं क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार से यात्रा के दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकराई। वहीं टक्कर के बाद उनकी कार में भीषण आग लग गई और गनीमत यह रही कि किसी तरह से घायल ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकल आए। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मंगलौर पुलिस ने पहले तो उन्हें रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल उन्हें इलाज के लिए पहुँचाया गया बेहतर इलाज के लिए। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत अपनी माँ से मिलने के लिए दिल्ली से रुड़की आ रहे थे और नारसन के पास एक कार का हादसा हुआ। ऋषभ पंत की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और हम लेकिन गाड़ी की हालत को देख के लगता नहीं है कि उस मतलब कोई उसके अंदर बच पाएगा। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि हम ऋषभ पंत जो है उसमें से सुरक्षित थोड़ा बहुत चोटिल होके निकल गए हैं। भगवान ने बहुत मतलब जो है उनके हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और क्षेत्र में बहुत ही सभी लोगों को दुख हुआ है इस बात का। हम उनके घर पर आए हुए हैं, उनकी मम्मी अभी घर पर नहीं मिली, वो भी हमें लगता है कि देहरादून मैक्सिमम चली गई होंगी और हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कृपा करते हैं और वो मैदान में फिर अपना परचम लहराएं, हमारे तिरंगे को ऊंचा करें। ये सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है जिसमें जो हमारे क्रिकेटर हैं श्री ऋषभ पंत जी, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें उन्हें कुछ चोटें आई हैं। एहतियातन उन्हें सक्षम हॉस्पिटल लेके आया गया था जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफर किया गया है। ठीक है, उन्हीं ने उसे जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई थी। ये रुड़की से मंगलौर के मध्य। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्यूएशन है वो और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद कर रहे हैं। अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवेल्यूएशन भी कर रही है।